अफसोस है कि एक तरफ से प्राइवेट स्कूलों के सामने स्टेट लैंड का मसला है, दूसरी तरफ से सरकार इनसफिशिएंट लैंड के तालक से इशू उठा रही है, तीसरी तरफ से एनओसीज रुकी हुई हैं, तकरीबन 450 फाइलें इस वक्त पेंडिंग हैं। अगर इसमें गवर्नर साहब इंटरवीन नहीं करते हैं तो सारे के सारे स्कूल ऑलमोस्ट ये 450 स्कूल बंद हो जाएंगे। इस वक्त स्कूलों को एक साजिश के तहत टैग किया जा रहा है। टैगिंग का मतलब यह है कि ये स्कूल बंद हो जाएंगे। इस वजह से हमने आवाज़ उठाई है। हाई कोर्ट के 4 बेंचेस ने बाकायदा तौर पे क्लियर डायरेक्शंस दी हैं कि स्कूलों के आरआर इशू किए जाएं, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर्स का एहतराम नहीं किया जा रहा है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, उल्टा स्कूलों को टैग करने की साजिश हो रही है। तो इस तनाजुर में हमारे लिए कोई चारा नहीं कि हम दोबारा हाई कोर्ट से रुजू करें और कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करें, क्योंकि अगर हम हाई कोर्ट से रुजू नहीं करते हैं और सरकार अगर स्कूलों को टैग करती है तो इस तरह से 2 लाख से ज़्यादा बच्चे मुतासर हो जाएंगे, क्योंकि 400-450 स्कूल इस जद में आते हैं।